हरे कृष्णा राधे राधे जी सबको। माघ मास का आठवां अध्याय। सातवें अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार चित्रगुप्त ने कुंडल और विकुंडल को नरक में लेके गए, लेकिन विकुंडल के अच्छे कर्म देखकर उसे स्वर्ग में ले जाया गया। परंतु विकुंडल ने चित्रगुप्त से आग्रह किया कि हम दोनों ही भाई वेश्यागामी हिंसा करने वाले। तब चित्रगुप्त ने कहा कि आपने माघ मास में 2 दिन का स्नान किया था, इसी के प्रभाव से आपको स्वर्ग का सुख मिल रहा है। आगे आठवां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति के नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वे कालसूत्र नामक नर्क में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्त पीन पाप करते हैं तथा पीप को कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्माद काने कुबेड़े लूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरे को द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। हे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा यति, सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूर वीर मर जाते हैं वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े बाल वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नर्कगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर पर कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन सोना फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के 1 वृक्ष लगाने से मिलता है। पुष्कर आदि तीर्थ गंगा आदि नदी वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रतन के पत्थर में अपने आप से निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग शर्ता अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते हैं। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला
तथा कीर्ति देने वाला। तीन लोक में और कोई काम नहीं है जो शिवालय स्थापित करते हैं। वह शिवलोक में जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर वैकुंठवासी होता है, जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं। वे धन्य हैं जो माता पिता देवता और अतिथि का सदैव पूजन करते हैं। वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्धापन करता है, तो इस व्रत व्यवधापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस